हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग, बीएफए थर्ड ईयर, इंडियन एस्थेटिक्स, कोड 302। हमारा टॉपिक चल रहा है आज, नेक्स्ट है गुण और दोष, ठीक है, द रीतियु स्कूल का गुण और दोष। आचार्य वामन के अनुसार सौंदर्य प्राप्ति के तीन साधन हैं। जो आचार्य वामन है उन्होंने सौंदर्य प्राप्ति के तीन साधन बताए हैं, ठीक है। फर्स्ट है अलंकार उपादान, सेकंड है दोष त्याग और गुण ग्रहण, ठीक है। अलंकार उपादान को आप कह सकते हैं कारण कह सकते हैं, है ना, तत्व कह सकते हैं, उपादान कमी कारण या तत्व में बोल सकते हैं आप। और सेकंड है दोष त्याग, थर्ड है गुण ग्रहण, यानी किसी भी गुण को ग्रहण करना, दोष को त्याग करना, इनका तीनों का मीनिंग है। गुण सौंदर्य वस्तु के प्रकृत अमूल्य है, यह सौंदर्य के कारक और सौंदर्य निर्माण के लिए आवश्यक है। मतलब सौंदर्य के कारक भी हैं ये, और सौंदर्य निर्माण के लिए आवश्यक भी है। जो भी मतलब गुण वस्तु के जो प्रकृत वे अमूल्य हैं, ठीक है, और ये सौंदर्य के कारक भी हैं और सौंदर्य निर्माण के लिए आवश्यक भी हैं। ये शब्दार्थ के नित्य क्रम, यानी आप पुटिन कह सकते हैं, और काव्य शोभा के मूल हैं, ठीक है। जो शब्द हैं उसके नित्य क्रम और काव्य शोभा, यानी किसी भी काव्य की शोभा के मूल हैं। वामन के अनुसार अलंकार विहीन, यानी अलंकार से विहीन काव्य सुंदर हो सकता है, पर गुण विहीन होने पर वह चाहे कितना ही अलंकार भरा क्यों ना हो। मतलब इन्होंने ही बताया जो अलंकार है वो काव्य सुंदर तो हो सकता है अगर वो अलंकार विहीन है, पर वो गुण विहीन होने पर वह चाहे कितना ही अलंकार भरा क्यों ना हो, अगर उसमें गुण नहीं होंगे, गुण से विहीन होगा, तो वो चाहे कितना ही अलंकार भरा क्यों ना हो, वो सुंदर नहीं हो सकता, ठीक है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वामन ने बामेह का कांतिमुखी युवती का दृष्टांत लिया, यानी अपनी बात स्पष्ट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वामन ने जो बामे का कांतिमुखी युवती का दृष्टांत लिया था। शुद्ध गुणों से भरी युवती के समान काव्य भी अलंकार विहीन अवस्था में अत्यंत सुंदर हो सकता है। मतलब अगर कोई शुद्ध गुणों से भरपूर हो, शुद्ध गुणों से भरी भी युवती हो, तो युवती के समान काव्य भी अलंकार विहीन अवस्था में, जो मतलब काव्य है वो अलंकार विहीन अवस्था में भी अत्यंत सुंदर हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर वो शुद्ध गुणों से भरी हुई हो तो, और अलंकार से सजकर तो और भी सुंदर हो जाता है। मतलब अगर वो अलंकार से सज जाएगी तो वो और भी सुंदर हो जाएगी, पर यदि युवती स्वयं ही सुंदर न हो और उसी प्रकार काव्य गुणों से रहित हो, यानी मतलब सुंदी जो युवती है वो अगर खुद ही सुंदर नहीं होगी, स्वयं में ही सुंदर नहीं है और काव्य गुणों से रहित है, तो असुंदर युक्ति भी आभूषणों भी बद्धे मालूम होने लगेंगे। मतलब जो असुंदर युवती है उस पर आभूषण भी भद्दे लगते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो इसमें यही बताया है कि युवती अगर स्वयं भी सुंदर ना हो और काव्य गुणों से भी रहित हो, है ना, तो असुंदर युवती आभूषण भी वो भद्दे लगने लगते हैं। उसी प्रकार गुणहीन काव्य में अलंकार भद्दी लगेंगे, मतलब उसी प्रकार जो गुणहीन काव्य है उसमें अलंकार भद्दे लगेंगे। गुण शब्द और अर्थ दोनों में हो सकते हैं, मतलब जो गुण है वो शब्द में भी हो सकता है और अर्थ में भी हो सकते हैं, ठीक है। शब्द गुणों में विभिन्न प्रकार की पद रचनाएं, ओज प्रसाद ये सब नाम हैं, बंध समता माधुर्य सौंदर्य कुमाई क्रांति आदि की अर्थ गुणों में अर्थ की प्रौढ़ता ओज अर्थ व्यक्ति दीप्ति रस आदि है। मतलब जो शब्द गुण हैं उसमें ये विभिन्न प्रकार की, इन्होंने जब सब नाम बताए हैं पद रचनाएँ और प्रसाद बंध समता, है ना, इन सब की दीप्ति रस है आदि है। काव्य में शब्द गुण को हम विशेष बदल नहीं सकते, मतलब जो हमारा काव्य उसमें शब्द गुण को हम बदल नहीं सकते। मोम कोमल रहेगा पत्थर कठोरी, मतलब मोम तो कोमल ही रहेगा और पत्थर कठोर ही रहेगा, है ना, तो हम शब्द और गुण को बदल नहीं सकते। इसमें ये बताया कि ना हम शब्द को बदल सकते ना हम गुण को। अब इसमें यहाँ ये लाइन समझना, मतलब शब्द क्या हो गया मोम, ठीक है, उसका गुण क्या हो गया कोमल, ठीक है, इसमें ये समझना। तो हम ना तो शब्द को बदल सकते ना हम गुण को बदल सकते। भाई मोम को हम पत्थर तो नहीं कर सकते ना, वो रहेगा तो कोमल ही, ठीक है,
तो यही बताया है इसमें। परंतु अपनी मनोदशा के अनुसार शब्द या संकेत अवश्य चुन सकते हैं, मतलब अपनी जो भी मनोदशा है उसके अकॉर्डिंग शब्द या संकेत चुन जरूर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार सौंदर्य के गुण वस्तुगत भी हैं और आत्मगत भी, ठीक है। मतलब जो सौंदर्य के गुण हैं वो वस्तुगत भी होंगे और आत्मगत भी होंगे। वस्तुगत मतलब ऑब्जेक्टिव मटेरियल, ठीक है। किंतु वामन मानते हैं कि किसी भी परिस्थिति विशेष में यह दशा वस्तु आश्रित होगी, मतलब कोई भी परिस्थिति होगी उसमें जो यह दशा आएगी वो आश्रित रहेगी। इस तरह वे अलंकार के स्थान पर गुणों में सौंदर्य की प्रतिष्ठा करते हैं। तो इस तरह वे अलंकार के स्थान पर गुणों में सौंदर्य की प्रतिष्ठा करते हैं। उनका निष्कर्ष है कि सौंदर्य मूलतः वस्तु का गुण है, जो मतलब सौंदर्य है वो वस्तु का गुण है। निष्कर्ष तो यही निकलता है ना कि जो सौंदर्य है वो वस्तु का गुण होता है, ठीक है। कर्ता में उसका प्रभाव उसकी दीप्ति है। अतः वामन के अनुसार गुण ग्रहण दोष त्याग, यानी वामन के अकॉर्डिंग जो गुण है, गुण ग्रहण का मतलब गुण ग्रहण करना और दोष त्याग करना, ठीक है, सौंदर्य प्राप्ति के साधन हैं। ये वामन के अकॉर्डिंग है, ये ध्यान रखना, गुण ग्रहण करना और दोष त्याग करना, ये दोनों सौंदर्य प्राप्ति के साधन हैं। क्योंकि सौंदर्य प्राप्ति इसी से हो सकती है, अगर हम ये दोनों काम नहीं करेंगे तो सौंदर्य प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो गुण नहीं है जो शोभा न बढ़ाए, ठीक है, जो गुणों के विपरीत हो उन्हीं ही दोष माना जाता है। मतलब जो गुण भी ना हो जो शोभा न बढ़ाए तो वो गुणों के विपरीत हैं, ठीक है, उन्हें ही दोष माना जाता है जो गुण के विपरीत होंगे। कला सौंदर्यों के लिए उनका त्याग ही उचित है, मतलब कला सौंदर्य के लिए उनका त्याग ही उचित है। दोषों की विवेचना इससे अधिक नहीं पाई जाती, मतलब इसमें ये बताया कि दोषों की जो विवेचना है वो इतनी ही पाई जाती है, इससे अधिक नहीं पाई जाती, ठीक है। इसके पश्चात धीरे धीरे गुण रीति, ये यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, ये गुण है यहाँ पे, ठीक है। धीरे धीरे गुण रीति आदि की बहस कम होती जाती है, जो मतलब गुण रीति है उसकी बहस धीरे धीरे कम होती जाती है। बामह दंडी के पश्चात, जो हमने बामह और दंडी पढ़ी है उसका बताया है ये, बामह और दंडी के पश्चात अलंकार का विवेचन समाप्त हुआ, मतलब बामह और दंडी के पश्चात जो है वो अलंकार का विवेचन समाप्त हो गया, तो ये बताया है इसमें। और धीरे धीरे जो गुण है रीति है उसकी बहस भी कम होती जाती है, ठीक है। बाद के आचार्यों ने गुण उक्ति वैचित्र्य अलंकार आदि का महत्वपूर्ण समन्वय किया, यानी समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। तो जो बाद के आचार्य हैं उन्होंने गुण उक्ति वैचित्र्य अलंकार आदि का महत्वपूर्ण समन्वय किया, ठीक है। जो आचार्य थे बाद के उन्होंने इन सब का समन्वय किया था। वो आज ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब उक्ति मीन्स इसमें वाक्य आएगा, ठीक है, गुण तो आपको पता ही है, उक्ति मीन्स वाक्य आदेश, ठीक है, वाक्य यहाँ पे लगा सकते हैं किसी भी चीज़ का जो वाक्य है, गुण है, अलंकार है, ठीक है। वैचित्र या पिक्टोरियल कह सकते हैं, यहाँ पे पिक्टोरियल आएगा। इन सब का इन्होंने समन्वय किया था। ओके, आज का ये वाला आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, द रीति स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अब आपका, उसको आप पढ़ लेना अच्छे से।